हाय फ्रेंड, मैं कविता पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बनाना बहुत आसान। तो चलिए शुरू करते हैं। बनाऊंगी चॉकलेट जो बहुत ही आसानी से घर में बन जाता है। तो मैंने लिया है एक मिल्क कंपाउंड, ये मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाता है, और मैंने ये लिया है डार्क कंपाउंड, तो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। तो मैं दोनों का हाफ हाफ करूँगी। एक मैंने बाउल ले लिया है जिसमें मैं डालूँगी डार्क कंपाउंड, तो मेरा ये थोड़ा ही सा बचा हुआ है तो मैं डाल देती हूँ। इसे नाइफ से अच्छे से कट कर लूँगी थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि मेल्ट होने में दिक्कत ना हो। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में मैं कट कर लूँगी। मैंने डार्क कंपाउंड को कट कर लिया है, अब मैं लूँगी मिल्क कंपाउंड। तो जितना मैंने डार्क कंपाउंड लिया है उतना ही मिल्क कंपाउंड भी लूँगी। इसे भी कट कर लूँगी। तो मैंने दोनों को इस बॉयल में हाफ हाफ कट करके ले लिया है। अब इसे मैं डबल बॉयलर करूँगी। सकते हैं मैंने पानी को चढ़ा दिया है गैस पे, बॉयल भी होने लगा है, तो मैं इसे इस तरह से रख दूँगी। इसे डायरेक्ट पेन में नहीं चढ़ाना है क्योंकि ये जलने लगता है, इसे डबल बॉयलर ही करना रहता है इस तरह से। तो मैं इसे चलाती रहूँगी, ये मेल्ट होना शुरू हो गया है। अच्छे से इसे मेल्ट कर लेना है। बहुत ही आसानी से ये चॉकलेट घर पर बनकर रेडी हो जाता है। तो देख सकते हैं चॉकलेट मेल्ट हो गया है। तो मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। मैंने कुछ नट्स लिए हुए हैं जिसमें मैंने लिया है काजू और बादाम, जैसे छोटे छोटे टुकड़ों मैंने काट लिया है, तो मैं डाल दूंगी नट्स और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये मैंने लिया है चॉकलेट मोल्ड, ये सिलिकॉन का है, बहुत ही इजीली मार्केट में आपको मिल जाएंगे ये। तो इसमें चॉकलेट बनाना और इसमें से निकालना दोनों ही बहुत आसानी से हो जाता है। अब मैं मोल्ड में चॉकलेट को डाल दूंगी। इस तरह से तो मैंने इसमें भर लिया है, सेकेंड वाला में मैं इसी तरह से भर लूंगी। तो देख सकते हैं मैंने दोनों मोल्ड में भर लिया है, दो मोल्ड था मेरे पास।
अब इसे मैं 1 घंटा के लिए फ्रीज में रख दूंगी। फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रीज में रखना है, और ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो देख सकते हैं चॉकलेट मेरा बिल्कुल सेट हो गया है, और ये 1 घंटा से भी कम टाइम लगा है सेट होने में। बहुत जल्दी से ये सेट हुई हो जाता है। अब मैं इसे आपको मैं निकाल के दिखा देती हूँ, इतना आसानी से ये निकल भी जाता है। कितना अच्छा डिजाइन बन करके निकला है। मैं सारा मोल्ड से निकाल लूंगी। तो मैं दूसरा वाला मोल्ड से भी इसी तरह से निकाल लूंगी। इसका भी डिजाइन बहुत ही अच्छा आया है निकल करके, देख सकते हैं। ये चॉकलेट ना मार्केट वाली चॉकलेट से बहुत ज्यादा टेस्टी होती है, और बहुत इजीली बन भी जाता है। तो देख सकते हैं मैंने मोल्ड से निकाल लिया है। बहुत ही आसानी से घर पे बहुत ही टेस्टी चॉकलेट बनकर रेडी होती है। बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं ये चॉकलेट। मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी घर पे रेडी होता है, तो इसे ज़रूर ट्राई करें। यही चॉकलेट जाकर के मार्केट में लोगे ना तो बहुत महंगे मिलते हैं, बट घर पे बनाओ तो बहुत टेस्टी और बहुत आसानी से सस्ते में बन जाते हैं। आप इसे स्टोर करके महीनों तक आराम से खा सकते हो। फ्रेंड, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय, टेक केयर।